दलित समाज की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बेरवा समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर श्वेता चौहान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा और तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। बेरवा समाज की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ होने के बाद समाज में आक्रोश फैल गया और केकड़ी जिले के बेरवा समाज के लोगों ने एकत्रित होकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया। बेरवा समाज के अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा के नेतृत्व में केकड़ी जिले के बेरवा समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि रामपाली में नाबालिग लड़की के साथ मुलजिम जगदीश पुत्र रामलाल कुमार निवासी रामपाली ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान लड़की के चीखने और चिल्लाने के बाद मुलजिम घर से भाग छूटा। परिजनों के द्वारा 20 अक्टूबर को केकड़ी सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके चलते आरोपी पीड़ित परिवार को डराने धमकाने व जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके चलते दलित परिवार डरा हुआ एवं सहमा हुआ है। इसलिए मुलजिम को शीघ्र गिरफ्तार करते हुए पीड़ित परिवार के जान माल की सुरक्षा किए जाने और उक्त प्रकरण का शीघ्र अनुसंधान कर पीड़ित को न्याय दिलाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन को लेकर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने शिष्टमंडल को उचित कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया है। हम सभी बेरवा समाज के लोग ग्राम रामपाड़ी में एक बेरवा समाज की नाबालिग बच्ची के साथ ग्राम के ही जगदीश कुमार द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और उसकी FIR दर्ज किए हुए आज 3 दिन हो गए, उसके बावजूद भी अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसके बावजूद भी पीड़ित परिवार को और पीड़िता को धमकाया जा रहा है। हम सभी केकड़ी क्षेत्र के बेरवा समाज के लोग एकत्रित होकर हम आदरणीय कलेक्टर मैडम को और SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उस जो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया उसे मुलजिम को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को और पीड़िता को सुरक्षा मुहैया किया जाए, और क्योंकि ऐसा कोई दोबारा ऐसा कोई कांड नहीं उसकी सुनिवेश व्यवस्था की जाए। हम सभी समाज के नाबालिग लड़के के साथ घटना हुई, वो एक असहनीय घटना है। मैं प्रशासन से अतिशीघ्र दोषी को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग करता हूँ एवं आगे से जो दलित समाज है, बेरवा समाज है, गरीब तबके का समाज है, इसके साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई दूसरी घटना ना हो, इसके लिए भी मैं प्रशासन से पूरे बंदोबस्त एवं पूरी चीज़ें मांग करता हूं कि आगे से ऐसे भविष्य में कोई घटना ना हो और जो आरोपी है उसको कड़े से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग करता हूं।